अभी जिला परिषद का नॉमिनेशन होने जा रहा है और सबनम खातून प्रत्याशी है उसी प्रत्याशी के एक समर्थक हमारे साथ में पहले अपना नाम बताइए मोहम्मद आगाज हुसैन कितना आनंद आ रहा है आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं आनंद तो आनंद चारों तरफ आनंदित लोग हैं जनता कार्यकर्ता सब समर्थक आनंद में इतना है कि आने वाला समय जो चुनाव होगा देखिएगा वोट का, का बाढ़ आ जाएगा कितना श्योर है जीत को लेकर श्योर तो शत प्रतिशत हम जीतने जा रहे हैं अगले बार की अपेक्षा इस बार कार्यकर्ता ज्यादा जुझारू हैं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और पूरे जिला परिषद का जो क्षेत्र है वहाँ से लोगों का जो रुझान है लोग आ रहे मिल रहे हैं इस नॉमिनेशन में उनका भागीदारी है चाहे वो आदिवासी हो अल्पसंख्यक हो और हमारा बहुत सख्त हिंदू समाज हो सारे लोग अगले पिछड़े मिल करके जो है सबनम खातून को इस बार जो है चुनाव में जीत हासिल कराने के लिए हम लोग पिछले बार सेकंड पोजीशन रहा क्या क्या वे मुद्दे छूट गए जिससे वो सतासी अट्ठासी वोट से मात्र देखिए मात्र एक कम वोटों से हारना यहाँ पर मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है ये आप समझ लीजिए कि इतना कम वोट से हारे इसका मतलब ये है कि सारे मुद्दों को उन्होंने छुआ बस कभी कभी होता है क्या हेड और टेल अब किस्मत की बात है थोड़ा सा वोट से हम आगे पीछे पिछड़ गए लेकिन इस बार किस्मत भी हमारे साथ रहेगा कोशिश इन... ये है कोशिश ये है कि जो हमारा कसर बह के बाकी रह गया था चौरासी पचासी सतासी जो भी वोट है इस अंतर को हम पाटते हुए एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर है क्या लगता है इन पाँच सात सालों में आप लोग उन क्षेत्रों में एक्टिव रहें कि आज एक दिन से एक्टिव होइएगा नहीं बिल्कुल सबनम खातून जैसा कर्मठ उम्मीदवार आप ये मत समझिए कि आज नॉमिनेशन का टाइम है या इलेक्शन आ गया है तो यह है। आप उनके दरवाजे उनके घर उनके कार्यकर्ताओं से मिलिए जाइए देखिए कि जितना उनका जिला परिषद का जो क्षेत्र है एक एक जनता आपको बताएगा आप उस एरिया में घूम करके उनका नाम पूछिए इनको जानते हैं ये कैंडिडेट कैसा है ये कैंडिडेट जुझारू है यह कैंडिडेट आपके बात मानते आप लोगों का जो है इसके आशीर्वाद के साथ जो है आगे बढ़ रही है क्या आप लोगों को आप लोगों का आशीर्वाद इसके साथ है जनता बताएगी जी जि जिस तरह का जिस तरह के भाव से आप बोल रहे हैं कितना पॉकेट गर्म हुआ है आज आपका देखिए जहाँ तक पॉकेट गर्म का सवाल है अगर पॉकेट गर्म होता तो पूरे पार्लियामेंट में पूरे पार्लियामेंट में पाँच सीट है और पूरे हिंदुस्तान में बड़ा बड़ा कॉरपोरेट घराना से लेकर बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज लोग जैसे टाटा बिरला अडानी अंबानी ये सारे लोग पैसे से ही अगर जीते तो हम पैसा खर्चा करके सांसद बना देते लेकिन जनता का संगठन जनता का काम और कारता कार्यकर्ताओं का संगठन ये लोगों के बीच जाते हैं सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं और जो पानी बिजली दी सारा जो मुद्दा है बेरोजगारी का और सब जो जब, ये उठाते हैं उस संगठन के माध्यम से सरकार के पास रहते हैं और संघर्ष करते हैं तब कहीं जा करके उन मुद्दों को साकार होता है तब जा के जो है वो सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जीत करके जाते हैं अगर पैसा ही सब कुछ होता तो सिर्फ पैसे से ही टाटा बिरला का सारा पार्लियामेंट में जो है मेंबर आपको नजर आता है ऐसे ईद और रमजान का माहौल है ऐसे में मुर्गा का भाव बढ़ गया है अच्छा अच्छा हाँ बोलिए क्या यह दाम ईद के बाद घटेगा कि और बढ़ेगा देखिए एक चीज आप मान लीजिए शौक और खुशी के आगे दाम मायने नहीं रखता है नहीं ईद के बाद दाम बढ़े हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं ईद के दाम ईद के बाद दाम बढ़े या घटे अगर हमको कुर्बानी देना है कुर्बानी का दिन है तो वहाँ दाम नहीं देखा जाता है अगर मेरा शौक है हमको मुर्गा खाना है तो एक सौ दस का क्यों 510 सौ दस का अगर बिकेगा तो मुर्गा तो क्या उससे बड़ा भी करकना तो उसको भी खाएंगे हम <laughs> नहीं नहीं मेरे आ, सवाल है कि ईद के बाद यानी चुनाव के समय में कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चलेगा। नहीं नहीं जो मार्केट में जो सामान्य दर है थोड़ा सा मिनिमम मैक्सिमम वो हो सकता है लेकिन लोग खाने से परहेज नहीं करेंगे दस टका बढ़ गया तो हम मुर्गा नहीं खाएंगे विकास अच्छा हुआ था इस पाँच सात सालों में आपके क्षेत्र का हाँ बिल्कुल विकास हुआ जिला परिषद क्षेत्र में आप हमारा हमारी जो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आवंटन मिला जिला परिषद वालों ने विकास किया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आवंटन मिला और हमारा जिला परिषद क्षेत्र में जो उसका भागीदारी हुआ आप गांव में जाकर के हमारा जिला परिषद क्षेत्र में जाकर देखिए रोड का हाल देखिए बढ़िया हाँ ग्रामीण विकास जो लघु से लेकर कुटीर उद्योग का बात है महिलाओं का सामूहिक विकास का जो बात है छोटा छोटा लोगों का महिला का घरेलू उद्योग का जो बात है वो साकार हुआ है और आने वाले समय में और प्रबल है आगे बढ़ेगा बात जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में सबनम खातु अभी अपना नामांकन करने जा रहे हैं और नामांकन के दरमियान में उनका जो जन समर्थन देखने को मिल रहा है उसका एक अलग ही अंदाज़ है उन्हीं में से एक है हमारे साथ में शरीफ चचा क्या खास है इस बार का चुनाव बिल्कुल सर बिल्कुल ख़ास है और इस बार जो है सबनान खातू जो है जीत रही है इन रहमान। इसलिए कि ता बारह जितनी पंचायती है सारे लोग आए हैं जिसका जो हेड होते हैं वो सब लोग आए हैं शामिल होकर के जैसा कि आपने देखा भीड़ दुधानी से लेकर मैंने कोर्ट तक के परिसर में तो सवाल सारे लोग आए इसमें पूरा समर्थन लोगों का है हर आदमी का समर्थन है जो उम्मीद क्या क्या इन शाला हम लोग तो यही कहेंगे कि विजय निश्चित है जनता का प्यार मिल रहा है क्या कारण है जी हाँ जनता क्या, क्या, क्या कारण है आखिर जन सबनम खातून में वो क्या खासियत है ये जनता इतना प्यार वजह है उसका है ये हमेशा जो है पाँच बरस बैठती नहीं घर में ये जो है निकलती है हर पंचायत में जाती है लोगों का दुख सुनता है लोगों को अगर मान लो कोई समस्या है शादी है बच्ची का या मंदिर बनाना हो या कोई मस्जिद में कोई डिपोटेंस हो या कोई तरह का जो है किसी तरह की परेशानियाँ आई है वो सब मिलते रहती है पाँच बरस ये घर में बैठती नहीं है ये घूम फिर के सारी समस्या देखती है इसलिए लोगों ने प्यार से इनको पूरा समर्थन दे करके इसको जिताने की एकदम ठान ली लिया है इन सालों पाँच साल घूमने वाली जन नेता हैं जन नेत्री है इसलिए इस बार उनको भरपूर जन समर्थन मिल रहा है और कहा जा रहा है कि हंड्रेड परसेंट स्योर इसकी जीत हो क रहेगी इलेक्शन और नामांकन का दौर शुरू हो गया है प्रत्याशी नामांकन पर नामांकन कर रहे हैं जन समर्थन की नारों की गूंज पूरे क्षेत्र में गूंज रही है ऐसे में सबनम खातून नाम की जिला परिषद प्रत्याशी आज नामांकन करने जा रही है उन्हीं में से एक समर्थक हमारे साथ में है सर अपना पूरा परिचय देव मेरा नाम सर शिशुपाल है महुआ वार्डल से हैं दस नंबर वार्ड से हैं तो कितना जन समर्थन मिल पा रहा है ये जिला परिषद प्रत्याशी सबनम खातून को देखिए जिला परिषद जब ये जो है सबनम खातून ये उभरता हुआ और चमकता सितारा है क्योंकि ये डोर टू डोर जितने भी महिलाएं किसी तरह का दुख आपत्ति विपत आता है सबको निस्वार्थ भाव से लेके जाती है इसके इसके लिए जो है सबका समर्थन इसके पास में है क्या ये बात आज ही नजर आया है कि ऐसे क्षेत्र तो में हमेशा अगले बार भी ये सिर्फ सतासी वोट से ही हारी है क्योंकि नया होने के नाते भी जब इतना ले आई प्रत्याशी तो मामूली नहीं था अगले बार भी इसका जीत तय था लेकिन किसी कारण बस चुक गई और इस बार तो इसका पूर्ण बहुमत है क्योंकि ये जीतेगी ही कितना श्योर लग रहा है कि जीतेगी कितने वोटों से नाइन्टी परसेंट सर कम से कम तो 2000 हजार वोट जीतेगी 2000 हजार वोट जी जनता का अपार प्यार मिल पा रहा है पूरा बिना खर्च किए कि बिना खर्च किए खर्च तो रोज करती है डेली हॉस्पिटल ले जाना डॉक्टर के पास जाना डोर टू डोर जाना शादी ब्याह हाँ मदद करना मंदिर मस्जिद एक सिंपल सा सवाल है जो सभी के मन में चल रहा है मुर्गा का दाम जो है ईद के बाद बढ़ेगा क्या ये नहीं बता सकते सर हम लोग मुर्गा खाते हैं नहीं इसको बता सकते चुनाव में अक्सर मुर्गा हड़िया चलता है नहीं नहीं सर ऐसा सबनाम खातु उनके पास ऐसा नहीं है कुछ इसका कुछ नहीं चूँकि ये कार्य करता है और हम तो बताएं कि चमकता हुआ सितारा है इसके पास कोई मुर्गा हड़िया नहीं है और दवा दारू ये गरीब के लिए सब दिन है इसके पास अच्छा दौड़ चलेगा इस बार चुनाव में कि नहीं चलेगा मुर्गा दारू का जो नहीं ऐसा तो दिखे। हमको नहीं लगता सबनम खातुन यहाँ चलेगा ये सब सबनम खातून के ऐसा ये प्यार ये प्यार है ये जो आज 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 जो जन समर्थन है उसका प्यार है हम लोग समर्थन कर रहे हैं इसलिए इसमें कोई मुर्गा खाने अभी बहुत कम है नहीं, नहीं, नहीं के बराबर है चलिए ये कहना है कि इस बार निस्वार्थ भाव से जन समर्थन मिलेगा सबनम खातून को और 2000 से अधिक मार्जिन में चुनाव जीते टेन परसेंट हम लोगों की विजय निश्चित है और आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जुझारू कार्यकर्ता वो तहे दिल से लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हम लोग जो है फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा रहेंगे इसलिए कि इस बार कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और जीत ये निश्चित है हम लोगों के तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे चाहे उसके लिए हम लोगों को जितना भी मेहनत करना पड़े मेहनत करेंगे और जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं वो सब जो है सबनम खातून को जिताने का काम करेंगे